उद्देश्यपूर्ण कलीसिया बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह संतुलन। मैं बोलना चाहूंगा संतुलन के विषय में, कुछ बातों के विषय जिसके विषय सुनिश्चित होना चाहते हैं। एक पास्टर या एक अगुवे के रूप में आप संपूर्ण प्रक्रिया को देखते हैं और आपका कार्य या आपकी बुलाहट ये है कि आप कलीसिया को स्वस्थ बनाएं, और स्वस्थ जो कि संतुलन से आता है आपको पता है। उद्देश्य को संतुलित करने का जो एक तरीका है वह संतुलित करें उन लक्ष्य को जिन तक हम पहुंच पा रहे हैं, किस प्रकार के लोगों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होता है कि कौन किसके पीछे और कैसे जा रहा है। जब विशेष लोगों को केंद्रित किया जाता है उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जब विशेष उद्देश्यों को केंद्रित करते हैं लोग स्पष्ट हो जाते हैं। जब हम इन दो बातों को करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, ऐसे कुछ संकेंद्रीय घेरे हैं जिसमें से हम लोगों को लेकर जाते हैं। जब हम भिन्न दर्शक केंद्र में रखते हुए और पांचों उद्देश्यों को संतुलित रूप में पूर्ण करते हैं, बिल्कुल आरंभ में ही सबसे बड़ा जो घेरा है, और आप में से कुछ लोगों ने इसे अपने नोट्स में देखा होगा, सबसे बड़ा जो घेरा है वो है समाज। समाज वे सभी लोग हैं जिसे आपके कलीसिया के लोग जानते हैं। प्रतिदिन के आधार पर जिन लोगों से वे हाथ मिलाते हैं या आपके कलीसिया में निमंत्रण दिया जाता है। आपकी कलीसिया संपूर्ण संसार तक जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपकी कलीसिया जिन लोगों को वे जानते हैं उनकी वे जिम्मेदार है। आपके लोगों के जीवनों में जो लोग हैं वे उनके जिम्मेदार है, इसलिए वे अपने समाज तक पहुंचते हैं। समाज जो इनके इर्द गिर्द में रहता है, जिनकी वे सेवा या संपर्क में रह सकते हैं और वे बुला सकते हैं या गवाही दे सकते या कलीसिया में बुला सकते हैं। इसलिए हम लोग समाज में सुसमाचार प्रचार करते हैं। इसी रीति से सुसमाचार प्रचार की सुधि ली जाती है। जब सुसमाचार की बात की जाती है हम लोग केंद्रित होते, विशेषतः जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो बाहरी है और ऐसे लोग जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सुनने की आवश्यकता है। मान ले किसी को कलीसिया में लाया गया है या आमंत्रित किया गया है रविवार की सुबह या सप्ताहांत में, या जब कभी जिसे आप भीड़ कहते हो, तब आप उस व्यक्ति को लेकर आते हैं यहाँ से उस भीड़ में निमंत्रित करने के द्वारा, ताकि वे आपके किसी कार्यक्रम में या किसी इवेंट में या किसी सभा में, और जब वे यहाँ आते हैं वे देखते हैं लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यही तो हमारे पास गवाही है। वे प्रभु की उपस्थिति के गवाह होते हैं और वे परमेश्वर के वचन के गवाह होते हैं, या उन उद्देश्यों के जो परमेश्वर के वचन से सिखाए जाते हैं। जब वे बाहरी समाज से निकलकर आते हैं और हमें नहीं जानते हैं, हम उन्हें लेकर आते हैं हमारे एक इवेंट में, वे भीड़ का हिस्सा बनते हैं। कोई भी आ सकता है, कोई भी हमारे सप्ताह के कार्यक्रम में आ सकता है या फिर सभाओं में, परंतु उन सभाओं को जब हम रचते हैं, प्रभु की हम आराधना करते हैं, एक साथ में उसके नाम को उठाते हैं, प्रभु की उपस्थिति का उत्सव मनाते हैं, हम लोग उसकी उपस्थिति के गवाह बनते हैं। हम अपने जीवन के कहानी के गवाह बनते हैं। हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम बताते हैं प्रभु हमारे जीवन में क्या कर रहा है। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, लोग हमें आराधना करता देखते हैं, प्रभु की उपस्थिति का आनंद करता हुआ देखते हैं, और फिर जब वे अपने मन को बना लेते हैं, यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं और प्रभु की परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उन्हें लेकर आते हैं मंडली की ओर। मंडली जो है वो समर्पण का अगला स्तर है, जहाँ वे निर्णय लेते हैं कि वे कलीसिया का हिस्सा बने। हम इस्तेमाल करते हैं क्लास का तरीके का, जिसे मैं बाद में बताऊंगा, ताकि लोगों को पाकर उन्हें आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर सके। लेकिन जब वे भीड़ से मंडली की ओर जाते हैं, वे तो संगति में प्रवेश करते हैं, मसीह के देह में प्रवेश करते हैं विश्वास के द्वारा। हम इसे कहते हैं संगति। यही पर हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि सारे उद्देश्य जो कि समानांतर विभाजित किए गए हैं उन लोगों को जिनको हमने लक्ष्य बनाया है। सो इसलिए हम लोग समाज में सुसमाचार सुनाते हैं, भीड़ के साथ आराधना करते हैं, हम मंडली में संगति को करते हैं, और फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब वे विश्वास के एक हिस्सा है, अब वे संगति का एक हिस्सा है। हम चाहते हैं कि वे अपने समर्पण में बढ़ते जाएं। हम चाहते हैं कि वे यीशु के जैसा बर्ताव करें, इसलिए हम उन्हें समर्पण का और एक कदम उठाने के लिए कहते हैं, आत्मिक परिपक्वता की उस आदत की ओर, ताकि वे चेले बन सके, ताकि वे बढ़ सके प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही। तो यही पर है जहाँ पर वे एक परिपक्व वाचा को या फिर एक नए कदम को रखते हैं उनकी बढ़त में। वहां से हम उन्हें ले जाते हैं सेवकाई की ओर या मुख्य भाग की ओर। मुख्य भाग वाले वे लोग हैं जो कि शामिल है, वे कलीसिया के भीतर में निवेश किए गए हैं। कलीसिया के भीतर आपकी सेवकाई है और संसार में आपका एक मिशन है। कलीसिया के अंदर की सेवकाई आप तो जानते हैं। हम समर्पण के हमारे अगले स्तर में जब हम जाते हैं, हम इसे सेवकाई की कक्षा में सिखाएंगे।
कि आपको क्या करना होगा। हम आपको शिप के विषय में सिखाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, परंतु SHAPE परमेश्वर ने सेवकाई के लिए कैसे आपको शेप दिया है, आत्मिक वरदान, हृदय, योग्यताएं, व्यक्तित्व और फिर अनुभव। जैसे परमेश्वर ने आकार दिया है वैसे ही आपकी सेवकाई भी बनने पाए। फिर आप समर्पण के अगले स्तर में जाते हैं जहां पर आप अपनी सेवकाई को पूर्ण करते हैं। इसी रीति से सुनिश्चित करते हैं कि सभी 500 उद्देश्य उनके केंद्रित किए गए दर्शकों के अनुसार स्थानीय कलीसिया के दौरान ही पूर्ण किए जा सकते हैं। जब आप इन सभी बातों को करते हैं, आपको आज्ञा दी जाती है इस संसार में जाने के लिए, ताकि वे संसार भर में जाए, ताकि वे बाहर जाए, समाज में फिर से लौट कर जाकर उनकी सेवा करें। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया फिर से वही से आरंभ होती है। आइए फिर से एक बार करेंगे। संतुलन ही कुंजी है। जब हम उद्देश्य को संतुलित करते हैं, हम लक्ष्य को भी संतुलित करते हैं। हम किसके साथ में क्या करते हैं? हम लोग तो समाज में सुसमाचार प्रचार करते हैं, भीड़ के साथ आराधना करते हैं, मंडली के साथ में संगति करते हैं, समर्पित लोगों को शिष्य बनाते हैं और फिर मुख्य लोगों की सेवा करते हैं या उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। उस सेवकाई के लिए संतुलन ही सब कुछ है। आपको पता है आप किन लोगों तक पहुंच रहे हैं? आपको पता है आपको क्या करना है?